सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों सरफेस केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4। और आज ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। इसमें काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, कोगुलेशन, फ्लॉकुलेशन, कोगुलेशन वैल्यू, कोगुलेटिंग पावर, गोल्ड नंबर, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। तो इस तरीके के कुछ टॉपिक्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के पर्स्पेक्टिव से, उन्हें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और बच्चों, अगर आपने अभी तक इजी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और ब्राइट बीन ट्यूटोरियल्स के ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर भी आपको ऑसम कंटेंट जैसे कि मैथ्स फॉर जेई मेंस एंड एडवांस रिवीजन करने के लिए बहुत ही आसान, जितने भी लेक्चर्स हैं मेरे उसके सारे मटेरियल्स जो है पीडीएफ के फॉर्म में है। आप उनको रीड करके उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके फटाफट रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू विल गेट द फील ऑफ एंटायर कोर्स और बहुत आसानी के साथ आपके प्रिपरेशन जल्दी से हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास टेस्ट सीरीज़ है बच्चों, बहुत ही सस्ती टेस्ट सीरीज़ है। एंड मोर देन 200 टेस्ट आर देयर, फुल टाइम, फुल टेस्ट, पार्ट टेस्ट, सब टेस्ट है। यानी कि हर चैप्टर को भी आप देख सकते हैं कि कहीं कोई दिक्कत है अगर, तो आप उन टॉपिक्स पे काम कर सकते हैं। इसी तरीके से मैथ्स के बैचेस लाइव हैं बच्चों। फेज़ वन में बेसिक मैथमेटिक्स, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम्स, सेट थ्योरी, इनइक्वालिटीज, ये सब हम लोगों ने करा है, और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो अभी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की क्लासेस भी चल रही हैं और जल्दी ही ग्लैडिएटर मैथ बैथ का फेज़ टू चालू होने वाला, कंप्लीट एलजेब्रा फॉर क्लास 11 प्लस डिटरमिनेंट बच्चों इस बैच में पढ़ाया जाएगा। तो ये आप देख ही सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब क्लास 11 का कंप्लीट हो चुका है। एंड क्लास 12th में आज लास्ट चैप्टर है, तो इसके साथ जो है फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री आपकी एंटायरली फिनिश हो जाएगी। आपको केवल प्रैक्टिस करनी है और फिर हम अपना ध्यान फोकस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ख़त्म करने के लिए। मेटलर्जी का हम लोगों ने शुभारंभ ऑलरेडी एक लेक्चर से कर दिया है और आगे के लेक्चर्स फिर आने लगेंगे, ठीक है। तो साथ जुड़े रहें और बहुत तेज़ी से चीज़ों को सीखें और फटाफट काम करें बच्चों। तो अब हम लोग ये सीखने जा रहे हैं, हम लोगों ने कोलाइड्स के बारे में सीख लिया था पिछले लेक्चर में और उनके जो है क्लासिफिकेशन के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो कोलाइड्स होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे प्यारे बच्चों? प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, कि भैया ये प्रिपरेशन इनकी कैसी होती है, ये बनाए कैसे जाते हैं। तो देखो, अब जैसे कि मिल्क किसी को बनाना थोड़ी नहीं पड़ता है, मिल्क भी कोई बनाता है क्या? नहीं। तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि वो लियोफिलिक कोलाइड्स है। तो आपने देखा होगा कि नेस्ले का बच्चों को पिलाने के लिए मिल्क आता है या चाय बनाने के लिए डेरी वाइटनर्स आते हैं। तो देखिए वो क्या होता है कि वो एक तरीके के कोलाइड्स है, तो उसमें जो डिस्पर्स्ड आपका फेज है वो आपका मटेरियल है। उसको फिर आप गर्म पानी के अंदर उसको मिलाते हैं, फिर आपको कुछ नहीं करना होता है, बस एक बार स्टेरिंग करते हैं और खुद ही वो कोलाइड बन जाता है। तो वो बेसिकली लायोफिलिक कोलाइड है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप नेस्ले का मिल्क आपने देखा ही होगा, देखा है कि नहीं देखा है? ठीक है, बहुत सारी कंपनीज़ के आते होंगे, ठीक है। तो वो सब क्या है, कोलाइड्स बनाते हैं आप। तो लायोफिलिक कोलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड, तो बहुत ध्यान से देखें इस बात को कि लायोफिलिक कोलाइड्स जो है दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाई सिंपल मिक्सिंग। तो क्योंकि उनमें पहले से प्यार मोहब्बत है तो उनको आप सिंपल मिक्स कर सकते हैं, सिंपल मिक्सिंग ऑफ डीपी एंड डीएम, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो बस मिक्स करिए और वो बन जाते हैं कि उनमें प्यार मोहब्बत है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत कहाँ आती है बच्चों? दिक्कत आती लायोफोबिक में, क्योंकि उनमें प्यार मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए उनको प्रिपेयर करना पड़ता है। लायोफोबिक्स, लायोफोबिक, टू प्रिपेयर लायोफोबिक सॉल्ट्स तो स्पेशल मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। स्पेशल मेथड्स आर यूज्ड which can be divided into following two categories,
जो कि दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन सी दो कैटेगरीज हैं? तो देखिए, एक डिस्पर्जन मीडियम होता है और एक जो है कंडेंसेशन मेथड होता है। अब आपने देखा है, अब एक बात समझिएगा कि जो ये हमारे कोलाइड्स हैं, ठीक है, ये आपके ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में इनके पार्टिकल का साइज आता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए पार्टिकल सस्पेंशन के रेंज के हैं और आप उनसे कोलाइड बनाना चाहते हो, तो फिर आपको उन पार्टिकल्स को तोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? कि आपके पार्टिकल का साइज कैसा है, सस्पेंशन के रेंज का है, और आप उनसे बनाना चाहते हो कोलाइड, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू ब्रिंग डाउन द साइज ऑफ दोज पार्टिकल्स। तो उनके साइज को कम करने के लिए यू नीड टू ब्रेक देम। तो वही पहला मेथड है डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि बड़े साइज के पार्टिकल से अगर उनको मिलाओगे तो वो आएंगे नहीं उस रेंज में, कोलाइड वाले रेंज में, वो तो सस्पेंशन बन जाएंगे। तो डिस्पर्जन मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं जिनका काम होता है कि पार्टिकल को छोटा करना। सो इन दीज मेथड्स पार्टिकल्स ऑफ बिग साइजेस आर ब्रोकन इन पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल रेंज। तो समझ में आ गया भाई? तो डिस्पर्जन मेथड क्या होता है अगर पूछ लिया जाए तो आई थिंक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप अच्छे से इस बात को बता पाएंगे, लिख भी पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज डिस्पर्जन। अब एक दूसरा मेथड होता प्यारे बच्चों, दैट इज कंडेंसेशन मेथड। तो दूसरा मेथड है कंडेंसेशन, जो सुनने में आया कि कंडेंसेशन मेथड। तो कंडेंसेशन मेथड में क्या हुआ कि पार्टिकल काफ़ी छोटे होते हैं और वो ट्रू सॉल्यूशन वाले रेंज में होते हैं बच्चों। अब उनको आपको एग्रीगेट करना पड़ेगा, यानी कि उनको जो है एक साथ लाना पड़ेगा, ठीक है, उनको एक साथ लाना पड़ेगा जिससे कि उनका साइज जो है कोलाइडल वाली रेंज में आ जाए। तो ज़्यादा ही छोटे, अभी क्या था, बड़े थे, या तो बड़े होंगे भाई या तो छोटे होंगे, बराबर है, तो फिर तो खुद ही बन जाएगा। तो बड़ों को छोटा करना इज डिस्पर्जन एंड छोटों को बड़ा करना इज कंडेंसेशन, मिलाना, कंडेंस करना। तो पार्टिकल्स ऑफ स्मॉल साइज, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि पार्टिकल्स ऑफ स्मॉल साइज merge together to form particles of colloidal range, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर दो मेथड होते हैं, एक होते केमिकल मेथड्स, तो मैं बताऊंगा तो आपको, लेकिन आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा एनसीईआरटी में, क्योंकि थ्योरेटिकल टाइप की चीज़ें हैं, जो समझाने वाला पार्ट है वो समझा देंगे, लेकिन जो लिखने वाला पार्ट है खासतौर पे बोर्ड्स के लिए या जेई मेंस में भी आजकल जो है कभी कभी क्वेश्चन बहुत आसान पूछते, तो बोर्ड लेवल का पूछ, तो आप जो है इन मेथड्स को एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ें, ठीक है। आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना है और ये सब चीज़ें आपको रट लेनी है, ठीक है, जो भी थ्योरेटिकल टाइप की चीज़ें हैं। तो दो मेथड होते हैं, केमिकल मेथड होता है, एक ब्रेडिक्स आर्क मेथड होता है, ब्रेडिक्स आर्क मेथड होता है, जिनसे हम लोग जो है प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, कोलाइड्स की प्रिपरेशन कर। तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी और बोर्ड वगैरह की कोई किताब है तो उनमें ये अलग अलग के आपको मिल जाएंगे, टॉपिक नहीं, आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आप इनको तैयार कर ले, ठीक है। तो पेज नंबर 139 एनसीईआरटी पढ़ें और फिर बोर्ड के जो बुक्स हैं उनसे आप प्रिपरेशन करते ही होंगे, जहाँ क्वेश्चन आंसर्स दिए रहते हैं उसमें जाके इनकी प्रैक्टिस कर लें कि आपको एग्जामिनेशन में क्या लिखना है। अब जैसे FeCl3 को, अब देखिए कुछ केमिकल मेथड दिए गए हैं बुक के अंदर कई सारे, तो उसमें से एक मैं लेता हूँ कि FeCl3 आपने लिया और उसमें आपने वाटर डाला,
तो आपको जो है ये मेटल का सॉल मिलेगा, दैट इज FeOH होल थ्राइस। तो देखिए केमिकल रिएक्शन के हेल्प से आप सॉल को बना रहे हैं, तो ये केमिकल मेथड हो गया। तो इस तरीके के जितने मेथड्स हैं उनको आप थोड़े से रिएक्शंस याद कर लीजिएगा। तो ये सॉल बना ये, तो FeCl3+3H2O गिव्स FeOH होल थ्राइस प्लस 3HCl। तो इसका जो पार्टिकल वैसे क्या होता है कि नॉर्मल इसका पार्टिकल जो होता है वो कोलाइडल रेंज से कम होता है, तो इसका पार्टिकल कोलाइडल रेंज से कम होता है। तो बड़ा करना यानी कंडेंसेशन मेथड के अंदर आपका ये केमिकल मेथड आ रहा है, समझ गया भाई। इसका पार्टिकल कोलाइडल रेंज से कम है तो बहुत पार्टिकल ऐड होंगे, जैसे सल्फर वाला पढ़ा था, बहुत पार्टिकल ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब वो ऐड वैड कैसे होते हैं वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन केमिकल मेथड में इस तरीके से केमिकल रिएक्शन करके हम लोग बहुत पार्टिकल ऐड होकर एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, जैसे मैक्रोमोलिकुलर एसोसिएटेड कोलाइड्स, मैक्रोमोलिकुलर्स, ये सब पढ़ा था आपने, मल्टी मोलिकुलर। तो ये मल्टी मोलिक्यूल बन जाते हैं, ऐड होकर एक पार्टिकल, मल्टी मोलिकुलर पढ़ा था, एक पार्टिकल बड़े रेंज का बनाते हैं ना, कोलाइडल रेंज का बनाते हैं। ये लिख लें, कोलाइडल रेंज का बनाते। तो देखिए हिंदी भाषा में आपको ये लिख दिया गया है, जिससे कि आपको, तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी मोलिकुलर सॉल, ठीक है। तो ये केमिकल मेथड से मल्टी मोलिकुलर सॉल्स बनते हैं, और ये कंडेंसेशन मेथड। तो भाई इस तरीके की रिएक्शन करके इनको बनाया जाता है, ये फिर आपस में कंबाइन करते हैं, तो एक अकेला नहीं रहता, बहुत सारे FeOH होल थ्राइस जो है मिलते हैं और वो कंबाइन होकर आपका सॉल बना देते हैं। तो ये कंडेंसेशन का एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से जैसे आपने पढ़ रखा है कि सल्फर सॉल में हजारों सल्फर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है, तो वो भी इसी टाइप का आपका एग्जाम्पल है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब आपको बुक में आप देखिए और एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए और पूरे मेथड्स याद कर लीजिए। अब जैसे हमारे पास है ब्रेडिक्स, दूसरा मेथड, ये भी NCERT से आपको पढ़ना है, और इसमें एक डायग्राम है, वो डायग्राम आप जरूर बना के आएंगे पेपर में, ठीक है, बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ। ब्रेडिक्स आर्क मेथड NCERT में दिया गया है, तो आपको क्या करना है देखो, ऐसे बनाना है, ठीक है, यहाँ पर भी एक लेना है आपको, कंटेनर इस टाइप का है कुछ, और इस कंटेनर में इलेक्ट्रोड्स लगे हुए, वो काफ़ी पास लगे हुए, और उनका साइज़ भी मतलब पतला है, क्योंकि सरफेस एरिया अगर उनका जो कर्वेचर है वो क्या रहेगा, कम रहेगा, तो उसमें आर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है, स्पार्किंग ज़्यादा होगी। तो इसको मान लीजिए हमने प्लस से जोड़ दिया, इलेक्ट्रोड्स हैं, और इसको हमने माइनस से जोड़ दिया, ठीक है, क्लियर भैया। और ये सब का क्या, बहुत हाई वोल्टेज है, नाम ही ब्रेडिक्स आर्क, ठीक है, तो यहाँ पे हाई वोल्टेज लगाएंगे, यानी कि जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो कैसा करेंगे हम लोग, हाई, बहुत हाई, इतना हाई कि ये जो हमारे इलेक्ट्रोड है ना, ये डायरेक्ट सबलाइम हो जाएंगे, गैस के फॉर्म में चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ किसी चीज़ से टिका देंगे इसको, कंडक्टर नहीं होगा ये, इंसुलेटर में ये ऊपर वाला, और यहाँ पे हम लोग जो है डिस्पर्जन मीडियम भर देंगे। अच्छा, ये काफ़ी अंदर रहेगा ये, यहाँ सब क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्पर्जन मीडियम है, और ये डिस्पर्स फेज के आपके इलेक्ट्रोड्स हैं।
अब जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई करते हो, ध्यान से सुनना, ये डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। ये हाई वोल्टेज जब अप्लाई करोगे इन इलेक्ट्रोड्स में, तो यहां पर आप देखोगे कि स्पार्किंग होगी, ठीक है। और स्पार्किंग होगी तो बहुत सारी एनर्जी, और यहाँ पे आइस बात भी है, लो टेम्परेचर है, जिससे कि कंडेंस हो जाए, आइस बात है, लो टेम्परेचर है, ध्यान रखना भाई सारी बातें, ठीक है। और ये मेथड जो होता है, जैसे कि एक बार पूछ लिया गया अभी जल्दी कि भैया ये ब्रेडिग आर्क मेथड से किस टाइप के सॉल बनाए जाते हैं, तो मेटल के सॉल बनाए जाएंगे भाई इससे, ठीक है भैया, मेटल के ही तो इलेक्ट्रोड होते हैं। अब इतनी अकल हो आपके पास तो बहुत ही अच्छा होता है, आप जल्दी जेई क्रैक कर लोगे ना, बिल्कुल एकदम बिल्कुल दौड़ दौड़ के। अब जैसे गोल्ड का सॉल बना रहे, तो ये क्या होगा, जब ब्रेडिग आर्क्स मेथड में हाई वोल्टेज लगाओगे तो गोल्ड के इलेक्ट्रोड्स हैं, तो ये गोल्ड के पार्टिकल्स जो होंगे सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट होके मतलब गैसेस पार्ट में पहुंच जाएंगे भाई, गोल्ड पार्टिकल्स इतने सेपरेट होंगे कि एटॉमिक फॉर्म में आ जाएंगे, सेपरेट गैस बन जाएंगे, गैस एटॉमिक फॉर्म में आ जाएंगे। अब ये जब एटॉमिक फॉर्म में आ जाएंगे तो ये डिस्पर्जन मीडियम में भैया गैस जाएंगे, और यहाँ पे आइस बात रहेगा, इनका टेम्परेचर कम होगा, और ये अंदर जा जा के मिलने लगेंगे क्योंकि लो टेम्परेचर है, और फिर ये गोल्ड के पार्टिकल्स आपस में कंडेंस हो जाएंगे, तब ये कंडेंसेशन मेथड है। तो समझे, तो पहले क्या हुआ कि गोल्ड को अलग करा गया, गोल्ड को डिस्पर्जन किया गया, पहले ये ब्रेडिग आर्क लगा के उसका डिस्पर्जन किया गया, फिर वो एटम के फॉर्म में गैस में आए, और यहाँ सब्लिमेशन हुआ डायरेक्ट, मतलब लिक्विड विक्विड में नहीं गए, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट किया, एटॉमिक गैस टाइप में जो है कन्वर्ट किया गया गोल्ड को, और फिर इनकी ग्रुपिंग यानी इनको कंडेंस किया गया बाई आइस बात, और फिर जब ये कंडेंस हो गए तो इनका कोलाइडल बन गया। तो ये है कहानी ब्रेडिग आर्क मेथड की, बाकी आपको लिखना है पेपर वगैरह के अंदर, एनसीईआरटी वगैरह से पढ़ लीजिए क्या क्या आपको लिखना है, ठीक है। तो ध्यान रहेगा ये सारी बातें आपको अच्छे से आप समझ जाओगे इस बात को कि लो टेम्परेचर की ज़रूरत है नीचे और हाई वोल्टेज की ज़रूरत है ऊपर। पहले तोड़ते हैं और फिर जोड़ते हैं, तो पहले तोड़ते हैं और फिर क्या करते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, फिर जोड़ देते हैं जिससे कि वो कोलाइडल रेंज में आ जाए, क्लियर। अब हम लोग बढ़ रहे हैं पेप्टाइजेशन में, अब हम लोग बढ़ रहे हैं पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन हम लोग किस में बढ़ रहे हैं, पेप्टाइजेशन, ये कौन सी चीज है। तो भाई देखिए इसको भी पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन जेई मेंस वगैरह के लिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, सुनना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, फिर समझाऊंगा मैं आपको, बहुत मजा आने वाला है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट, हमारे पास प्रेसिपिटेट होगा, यानी कि हमारे पास स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होगा भाई। किसका प्रेसिपिटेट बनता है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का बनता है। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू सॉल, इससे सॉल बनाते हैं हम लोग, बाय शेकिंग पीपीटी विद डिस्पर्जन मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो पूरा समझाया जाएगा, डोंट वरी, जैसे NaCl वगैरह डाल दिया तो पूरा समझाएंगे, आप चिंता ना करिए, पहले आप लिखते रहिए फिर अच्छे समझा दिया जाएगा। तो समझिए कि प्रेसिपिटेट, तो जो प्रेसिपिटेट रहेगा स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का प्रेसिपिटेट बनता है, तो उसके उस प्रेसिपिटेट को सॉल में कन्वर्ट करने के लिए पहले डीएम और साथ में एक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला के इसको शेक करेंगे, तो आप जो भी ये इस प्रोसेस से जो सॉल्व बना है, इस प्रोसेस का नाम पेप्टाइजेशन हो जाएगा। फिर से समझ लो कौन कौन आपको रिक्वायर्ड है, एक तो प्रेसिपिटेट चाहिए आपको, ऐसी चीज़ों का बनाया जाएगा जिनका प्रेसिपिटेट बनता हो, ठीक है।
फिर उसको आप डिस्पर्जन मीडियम में मिलाएंगे, उस प्रेसिपिटेट को डिस्पर्जन मीडियम में भी वाटर, डिपेंडिंग अपॉन अल्कोहल के किसके साथ उसका प्यार मोहब्बत है, ठीक है, और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, कुछ भी इस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जो कि 100% टूट जाए। तो क्लियर है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पेप्टाइजेशन। तो अब आप देखिए कैसे होता है, फ्रेश पीपीटी आपको लेना, एकदम फ्रेश, एकदम ताज़ा माल, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम प्लस स्मॉल अमाउंट, बहुत भरना नहीं है इलेक्ट्रोलाइट, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और बस इसको शेक करिए और फिर मैंगो शेक पीजिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इसका हम लोग बनाते हैं सॉल्व, तो समझ में आया, फ्रेश पीपीटी प्लस डिस्पर्जन मीडियम प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिला के जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्व। अब क्या है कि द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सो द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट used for stability is known as, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं जो इसको स्टेबलाइज कर रहा है, पीपीटी को तोड़ रहा है और इसको स्टेबलाइज करके सॉल बना रहा है, उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को एक नाम दिया जाता है, कई बार वही पूछ लिया जाता है, उसको बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट। तो बड़ा ही आसान सा रहता है। सो द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज फॉर स्टेबिलिटी इज नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट। अब देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके का यूज करना है। सो द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या खासियत क्या होनी चाहिए उसकी, अब वही लिखेंगे और उसको आप समझिए, एग्जाम्पल लेंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा भाई। सो द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शुड फर्निश वन सिमिलर आयन, मतलब कि भाई देखो जो हमारा वो है स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है उसमें भी तो आयन्स होंगे, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग डालने जा रहे हैं एज अ पेप्टाइजिंग एजेंट उसके अंदर भी आयन्स होने चाहिए, तो दो दो आयन्स होंगे भाई, केटायन और एनायन उसमें भी होगा, केटायन एनायन इसमें भी होगा, तो एक चाहे वो केटायन हो या एनायन हो एक कॉमन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो भी बात करेंगे, चिंता तो करनी नहीं आपको, सही जगह है आप। सो द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शुड फर्निश वन सिमिलर आयन, ठीक है, एज दैट इन पीपीटी पार्टिकल, ठीक है। So the strong electrolyte should furnish one similar ion as that in PPT particle. तो जो precipitate के particles हैं जो कि खुद एक sparingly soluble salt है और जो strong electrolyte डाल रहे हैं उन दोनों में एक common ion होगा, ठीक है, तब ये हो पाएगा। अभी common ion की क्या जरूरत भैया, ये कौन सा कर्म कर रहा है, तो उसके बारे में भी लिख लेते हैं कि कॉमन आयन प्रोवाइड्स, भैया यही कॉमन आयन है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, सॉरी कॉमन आयन प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द सॉल बाय इट्स सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन On the surface of PPT particle, ठीक है भैया, क्या समझे? Sorry. तो देखो, so the common ion provides stability to the sol by its selective adsorption on the surface of PPT particle. तो अब जैसे कि अब हम लोग क्या करते हैं कि अब इसको समझाने के लिए दो example लेंगे भाई, एग्जाम्पल ले लेते हैं दो तरीके से बनाएंगे उसको, द फॉर्मेशन ऑफ AgCl,
AgCl के प्रेसिपिटेट देखे होंगे आपने कि AgCl के प्रेसिपिटेट बनते हैं जो कि क्या होते हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, ठीक है, लिखने की जरूरत है कि इतने बार बोला है समझ ही गए होंगे, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है ये AgCl, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये AgCl का स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है। सो द फॉर्मेशन ऑफ द AgCl सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखिए इसमें दो आयन्स हैं, एक Ag प्लस है और एक Cl माइनस, तो हमें ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें सिमिलर, अब दो टाइप के आयन हैं तो दो केस ले लेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम चाहते कि Cl वाला सेम रहे, तो इसलिए हम लोग NaCl ले ले रहे हैं, भाई NaCl बनाएंगे, भाई हमारा पेप्टाइजिंग एजेंट है। अच्छा Ag वाला कॉमन हो तो AgNO3 ले लेते हैं। तो ये केस टू में हम लोग जो है बना सकते हैं बाई AgNO3, ठीक है भाई, या तो NaCl से बना लो और या फिर AgNO3। अब देखो NaCl और AgCl में Cl- कॉमन है और AgCl और AgNO3 में Ag+ कॉमन है, तो यही कह रहा है द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शुड फर्निस वन सिमिलर आयन एज दैट इन प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स। अब ये जो कहानी कह रहा है कि कॉमन आयन प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द सॉल्ट बाय इट्स सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। अब एक बात आप समझिए कि यार ये जो AgCl है ये प्रेसिपिटेट बना रहा है, तो ये जो प्रेसिपिटेट बना रहा है तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी भाई कंडेंस, ये समझिए कि प्रेसिपिटेट बनना है लाइक कंडेंसेशन, ये सब कंबाइन हो रहा है ना, तभी तो नीचे बैठ जा रहा है भाई, आपस में प्रेम है, जिसके अंदर आप उसको डालना चाह रहे हो उससे उसका उतना प्रेम भाव नहीं है। यानी AgCl के पार्टिकल्स की नेचुरल टेंडेंसी है कि AgCl के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, AgCl पार्टिकल्स की नेचुरल टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द AgCl पार्टिकल, बट द AgCl पार्टिकल्स ब्रेक्स इंटू Ag+ एंड Cl-, तो वहां पे एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना होता है कि AgCl की अपनी एक नेचुरल टेंडेंसी है कि अगर उसको जैसे मान लीजिए Cl- रहे तो वो उनको अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेगा, Ag+ को भी कर लेता है वो, Cl- को भी कर लेता है। तो अब यहां पर हमारे पास Cl- है, NaCl के द्वारा हम लोगों ने डाला है, NaCl के पास Cl- हम लोगों ने डाला है, NaCl के पास हमारे पास Cl- है और उस Cl- को हम लोगों ने AgCl में जब डाला तो इसकी तो नेचुरल टेंडेंसी है ना AgCl से अट्रैक्ट होने की, और AgCl में है कौन, Ag+ और Cl-, तो ये जो Cl- के पार्टिकल्स हैं इनको अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एड्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है, तो क्लियर है भाई। अब क्या होगा कि जब AgCl के ऊपर Cl- आएगा तो अब यहां पर आपका Na+ एक्वस, अब दूसरा पार्टिकल आ जाएगा, तो ये क्या होंगे, कंडेंस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है। अब AgCl के ऊपर Cl- को अट्रैक्ट कर दिया, अब दूसरा AgCl का Cl- वाला पार्टिकल जो बनेगा वो इनको अब पास में नहीं आने देगा, समझो ऐसे, अगर ये Cl- ना आता तो AgCl और AgCl कंडेंस होके बैठ जाते नीचे, लेकिन AgCl के ऊपर Cl- आ गया है तो अगला जब AgCl के ऊपर Cl- आएगा वो दोनों तो रिपल करेंगे और वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे तो प्रेसिपिटेट नहीं बना पाएंगे, थोड़ा सा साइज भी बढ़ गया है इनका और ये आपके कोलाइडल रेंज में आकर बना देंगे, तो भाई समझ में आए। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है AgCl के ऊपर NO3- आ जाएगा, Ag+ आ जाएगा इसके ऊपर, तो ये इस टाइप से बन जाएगा। अब अगले में भी Ag+ रहेगा, अगले में भी Ag+ रहेगा, तो ये जो है क्या करेगा, NO3- तो देख रहा होगा कहानी खड़े खड़े यहाँ, तो अगले में भी Ag+ आएगा और वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला जा रहा है। अब आप कहोगे कि भैया Na+ को क्यों नहीं बिठा लिया, जब Ag+ को क्यों बिठा रहा है, जैसे AgCl में Cl- को बिठा रहा है तो Na+ को क्यों नहीं बिठा रहा है।
अरे भैया Na प्लस के साथ उसकी नेचुरल टेंडेंसी थोड़ी ना है कि उसको अट्रैक्ट करने की, Ag प्लस और Cl माइनस के साथ उसकी टेंडेंसी है जो है अट्रैक्ट करने। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं नेचुरल टेंडेंसी वाली चीज़, मैंने बार बार बोली है, क्या होता कल को आप भूल ही जाओ, तो जो मैं बोलता हूँ वो लिखता भी हूँ जिससे कि आप फिर जो है ये ना कह सको कि ये पॉइंट नहीं था। नेचुरल टेंडेंसी ऑफ AgCl इज टू अट्रैक्ट एनदर, इज टू अट्रैक्ट एनदर AgCl पार्टिकल, ठीक है? तो दूसरे AgCl के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की उनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है। इसलिए तो इसका मतलब क्या है कि AgCl हैज अट्रैक्टिव टेंडेंसी फॉर Ag प्लस एंड Cl माइनस। तो समझ में आ रहा है? तो अगर डिस्पर्जन फेज हमारा नेगेटिव है तो डिस्पर्स मीडियम हमारा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। सॉल्व बनाना चाहते हैं तो यहां पर डीपी नेगेटिव हो गया है पहले केस में, समझिए। पहले केस में देखिए डीपी जो है वो नेगेटिव हो गया है, तो डीपी नेगेटिव हो गया तो डीएम जो है वो कैसा हो गया? देखो डिस्पर्जन मीडियम के अंदर ये एनए प्लस घुल गए हैं, उनमें प्लस आ गया है तो ये डीएम पॉजिटिव आ गया है, तो ये अट्रैक्ट होकर ये अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये आपका AgCl डॉट Cl माइनस टाइप का सॉल बना दे, ठीक है? तो ये नेगेटिव सॉल कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ, अगर DP पॉजिटिव है जैसे कि दूसरे वाले केस में आपने टेंडेंसी देखी Ag प्लस आया, तो DM देखिए कैसा हो गया भैया, NO3 माइनस के कारण DM नेगेटिव हो गया। यहाँ एक्वस भी लिख दो, नहीं तो अच्छा लिखा था यहीं पे, नहीं लिख पाया, ठीक है? पानी के अंदर है तो पानी को निगेटिव कर दिया इसने उसके चार्ज की वजह से। तो DP अगर पॉजिटिव है तो DM, DP कैसा था इसका? पॉजिटिव था, वेरी गुड। तो DM कैसा हो गया? निगेटिव हो गया। ये अट्रैक्ट करके सॉल्व बना लेता। अब कहानी एकदम क्लियर कट आपको समझ में आ गई होगी, अब भी ना आए तो फिर क्या, अब इससे ज़्यादा नहीं समझाया जा सकता भैया, ठीक है? तो ये AgCl डॉट Ag प्लस का सॉल बना दिया हम लोगों ने, या AgCl डॉट Cl माइनस। तो ये पूरा कहानी पेप्टाइजेशन की है, ठीक है? और पेप्टाइजिंग एजेंट और किस तरीके से फिर उससे आप कोलाइड्स बनाते हो, ये सारी कहानी आपको वो होती है। अब एक बड़ा ही छोटा सा फालतू सा टॉपिक है जो आप NCERTs पढ़ लेना, ठीक है? प्यूरिफिकेशन ऑफ, तो NCERT पढ़ना भैया, और जो भी मेथड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उन मेथड को आप एक बार रीडिंग मार्क के रट्टाफिकेशन कर लेना। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के कई मेथड्स है ना, जो चीज़ आप समझ सकते हो अपने आप तो कर ही सकते हो। देर आर फॉलोइंग मेथड्स, तो कई सारे मेथड्स हैं तो लिखते हैं। एक जैसे डायलिसिस आपने सुना होगा, डायलिसिस, तो डायलिसिस में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि किडनी जिनकी ख़राब हो जाती है तो उनका डायलिसिस होता है। तो डायलिसिस में क्या होता है कि किडनी काम नहीं करती तो बाहर से एक्सटर्नल उससे आपके खून को साफ किया जाता है, ठीक है? ऐसे क्या होता है कि यूरिन वगैरह अपने आप किडनी अलग करती है और निकल जाती बॉडी से, ठीक है? लेकिन जिनकी किडनी काम नहीं करती तो उनका खून गंदा होता रहेगा तो उनको बीच बीच में डायलिसिस करानी पड़ती है। तो डायलिसिस में क्या है, डायलिसिस प्रोसेस क्या है कि एक मेम्ब्रेन होता है और उस पर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो जो पार्टिकल का, जो जैसे ऑस्मोसिस में रिवर्स ऑस्मोसिस टाइप की सिचुएशन है तो उसमें जो भी पार्टिकल्स को आप निकालना चाहते हो तो हाई प्रेशर अप्लाई करके उनको मेम्ब्रेन से आप बाहर कर सकते हो, ठीक है? और मेम्ब्रेन का अपना जो भी साइज वगैरह रहेगा इस तरीके से रहे कि वो पार्टिकल्स आ जा सके जिनको आप निकालना चाहते हो। तो दैट इज़ बेसिकली डायलिसिस। तो ये NCERTs में आपको पढ़ना है। और मान लीजिए आप बिजली लगा के करोगे तो और ज़्यादा है वोल्टेज वगैरह अप्लाई करके,
तो वो इलेक्ट्रोडायलिसिस हो जाता है, और नॉर्मल प्रेशर से केवल कर रहे हो तो डायलिसिस है, और इलेक्ट्रोडायलिसिस के आपने इलेक्ट्रोड्स वगैरह भी लगा दिए तो वो और ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्टर्स लगा के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये सब पढ़ लेना, ठीक है, ये सब एक बार पढ़ लोगे हो जाएगा, उसके लिए टाइम वाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन घुमा घुमा के, ठीक है भाई, जैसे आपने मिक्सी में किसी चीज़ को घुमा दिया तो उसमें क्या होगा कि पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं। फिल्टर पेपर वगैरह लगा के, फिल्टर्स लगा के आप जो है इसमें आपको करते हो, तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब घुमा के, ठीक है, अलग का हो जाती है ना चीज़ें, ऐसे गोल 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 घुमाओ तो जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो दूर चले जाएंगे, जिनकी डेंसिटी कम है वो बीच में रहेंगे, तो इस तरीके से आप उनको अलग कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि NCERT उठाइएगा आप प्यार से, अगर आपके पास पुरानी किताब है तो 136 नंबर पे ओल्ड बुक में देखें ये चीज के बारे में, 138 नंबर पे आप जो है न्यू बुक देख लें नई किताब होने पर, और इनको बस रीडिंग मान लें, कभी कभार पूछ लिया गया तो पूछ लिया गया, जेई में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, और बाकी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है भाई। तो अब ये पहला पार्ट हो गया हमारा प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, ठीक है, तो ये अलग अलग मेथड, पेप्टाइजेशन वगैरह, पेप्टाइजिंग एजेंट वगैरह, और फिर प्योरीफिकेशन वाला, बिल्कुल ये पॉइंट्स आपको दो दो तीन तीन लिखना आना चाहिए, किसी के बारे में शॉर्ट नोट वगैरह अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए तो आप कर पाओ, ठीक है। अब देखिए हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स पढ़ने जा रहे हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं कोलाइड्स की, उनको जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, पहली होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ध्यान रखना है सब क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं भाई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन के अंदर आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हो खत्म हो गया, कोलाइड्स भी जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को देते हैं। तो अगर कोलाइड्स के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बात हो तो ऐसा नहीं कि चिंता में आपको चले जाना है कि अरे, तो आपको पता रहना चाहिए कि हाँ होता है भाई। तो ऑल कोलाइड्स, ऑल कोलाइड्स है ना, ये स्पेलिंग सही भाई, तो ऑल कोलाइड्स, सो ऑल, तो चार थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये दिखाता है, सो ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सभी कौन कौन सी थी पूछ लो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑल कोलाइड्स, सो ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बट देयर वैल्यूज, लेकिन इनकी जो वैल्यूज होती है ना वो लेसर होती हैं इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन वाला, क्योंकि हमने सॉल्यूशन में जो पढ़ा है उससे इनकी वैल्यूज लेस होती है एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि कोई सब्सटेंस लिया, ठीक है, इसके अंदर कोई सब्सटेंस है, अब मान लीजिए हम लोग इसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक, और इसी सब्सटेंस का हम लोग अगर सॉल्व बनाते हैं, और सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया है भाई, इसमें हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं और इसमें हम लोग सॉल्व बना रहे हैं, तो ज़्यादा पार्टिकल किस में होंगे, अब सॉल्यूशन के केस में छोटे होते पार्टिकल्स तो ऑब्वियसली ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, तो इसमें मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, और जब सॉल्व बनाएंगे तो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे लेकिन अमाउंट सेम है तो लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अब समझने वाले समझ गए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसकी क्यों कम होगी, क्योंकि हम लोगों ने बताया कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो सॉल्यूशन के केस में ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं
और इसके केस में लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो ऑब्वियसली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसके लिए ज़्यादा होगी बिकॉज देर आर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इसमें लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो इसलिए, तो यहाँ पे स्मॉल साइज था इसलिए मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए, और यहाँ पे लार्ज साइज था तो इसलिए आपके लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए। तो बोल दो भाई, कोई दिक्कत विक्कत हो तो बोल देना यहाँ पर। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अब किस पे डिपेंड कर रहे हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, फॉर सॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर लेस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर लेस, हेंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज लोअर। ठीक है भैया, समझ गया, फॉर सॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर लेस, आई थिंक समझ गए। तो ये थी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कोलाइडल वालों का क्या अनुभव रहा है, क्या करते आए आज तक जीवन में वो लोग, तो वो बड़ा बढ़िया बात बता दी। अब सेकंड जो होती है वो होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी? मैकेनिकल, इसमें ब्राउनियन मोशन आता भाई। मैंने बताया था ना कि ट्रू सोल्यूशन में सब ऐड करते जा रहे हैं भाई, ट्रू सोल्यूशन आपकी, अब ये सब कंपैरिजन आप दिखा सकते हैं, ट्रू सोल्यूशन में दो ही तीन कंपैरिजन लिखे थे, मैंने कहा था बाद में जाके बढ़ जाएगा ना। तो जब आप जैसे बुक पढ़ोगे अपना जैसे बोर्ड का, तो उसमें तो सारे पॉइंट लिखे रहेंगे, तो उसमें लिखा रहेगा कि भाई कोलाइड्स जो है लेस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हो सकता है पॉइंट ना लिखा हो, है ना भाई, बोर्ड लेवल की बात है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखो कि आप लिख सकते हो कि ट्रू सोल्यूशन में जो है हाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती है, ये एक पॉइंट हो गया आपका, और कोलाइड्स में लो आती है। अब इसी तरीके से हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में, तो यहाँ से आप वो पॉइंट बनाओगे ना कि मैं अब बार बार लिखाऊँ कि डिफरेंसेस बिटवीन कोलाइड्स एंड ट्रू सोल्यूशन। भैया आप जो है जेई की तैयारी कर रहे हो, आपको है ना, अगर आरक्षण वाले प्राणी नहीं हैं आप, तो आपको 0.5% लोगों में अपनी जगह बनानी है। तो ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है कि आप बिल्कुल 0 IQ के साथ सोचो कि निकाल लेंगे हम, है ना। तो व्हेन अ सॉल इज, तो इतना तो IQ होगा ना भाई, व्हेन अ सॉल इज व्यूड using an ultra microscope, ठीक है, तो ये वाले पॉइंट का डिफरेंस भी आपको लिख लेना होगा, इसमें भी हम लोग बताएंगे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो है लेके देखें। तो हमें क्या दिखता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, तो उसके जो डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं, DP के पार्टिकल्स जो होते हैं, they appear to move in zigzag fashion, continuous movement होता है। देखा होगा आप लोगों ने ठंडी के सुबह में कहीं से light अगर आ रही हो और fog, थोड़ा fog क्या मतलब हल्का फुल्का moisture रहता ही है, तो कहीं से भी थोड़ी जगह है और मान लीजिए वहाँ से light आ रही है, ठीक है, तो उसमें जो पार्टिकल्स आप देखोगे धूल मिट्टी के पार्टिकल्स जो होंगे वो आपके रैंडम इधर 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 जा रहे होंगे, ठीक है, दे मूव इन कॉन्टिन्यूस जिग जैग मोशन, ठीक है, और इस मोशन को हम लोग रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था, तो इसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो ये आपके केवल कोलाइड्स करते हैं भाई, so this motion of dp particle, dp particle is known as brownian motion, to isko hum log brownian motion bolte hain, so this motion of dp particle is known as brownian motion, to isko kya bolte hain hum log, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो ये आपके ट्रू सोल्यूशन नहीं दिखाएंगे, कोलाइड्स में लिखना है कि कोलाइड्स सो ब्राउनियन मोशन, एक ये पॉइंट आ गया, एंड ट्रू सोल्यूशन डज नॉट सो ब्राउनियन मोशन, ठीक है।
तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आपका ऐसे गया पार्टिकल, बुक में बना होगा कि यूं गया किसी से, फिर यूं गया, फिर यूं गया। और देखो यही कारण है, यही कारण है कि ये ब्राउनियन मोशन जो ये होता रहता है कि ये टकराते रहते हैं पार्टिकल से एक दूसरे से, तो नीचे नहीं गिरते हैं कि नीचे जा रहा जैसे तो दूसरा पार्टिकल आके ठोकर मार दिया ऊपर चले गया फिर ऊपर चला, इस तरीके से स्टेबिलिटी बनी रहती है कोलाइड्स की। अदरवाइज तो इनके पार्टिकल की साइज ज़्यादा है, इनको नीचे बैठ जाना चाहिए जस्ट लाइक आपका सस्पेंशन, लेकिन ये बैठते क्यों नहीं है, इन्हीं जो है ये ब्राउनियन मोशन की वजह से। तो ये एक स्टेबिलिटी फैक्टर भी है इनका कि ये क्यों हेटरोजीनियस होने के बाद भी सेटल डाउन क्यों नहीं करते। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ब्राउनियन मोशन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है भाई। अब स्पीड उसकी होती है जो मोटा नहीं होता है, जो हल्का होता है नॉर्मली, है ना। ऐसा तो आपने देखा कि डेविड बून को देखा है दौड़ते हुए, पहले जमाने के मैच देखे ऑस्ट्रेलिया, तो डेविड बून एक खिलाड़ी थे, मुटल्ले से थे, बढ़िया बैटिंग करता था लेकिन रन लेने में आफत थी, ठीक है, रन लेने में आफत थी। अब जो भी प्लेयर फिट रहेगा का मतलब क्या, मोटा वोटा ना हो, उसी को आजकल इंडियन टीम में जगह मिल रही है। अगर आप मोटे पोटे हैं तो फिर आपके लिए जगह बना पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप जो है स्पीड चाहिए ना भाई, कैच पकड़ना है तो आपको दौड़ के वहाँ पहुँचना पड़ेगा, बॉल पकड़नी दौड़ना पड़ेगा आपको, रन लेना है दौड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आप मोटे हैं तो आप बिल्कुल स्लो रहेंगे। तो स्पीड ऑफ मोशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ डीपी पार्टिकल, तो ये वाली बात भी समझ में आती है, इन सबसे पूछे जा सकते कंपेरिजन्स, ठीक है। और दूसरा डीएम पार्टिकल की विस्कोसिटी, अब मान लो कि डीएम पार्टिकल काफ़ी विस्कस है तो वो कहाँ चल पाएंगे उसके बीच में, कर पाएंगे क्या रैंडम मोशन। तो जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी डीएम की उतना मुश्किल हो जाएगा उन पार्टिकल्स को चलना। तो ये दो फैक्टर्स होते हैं कि डिस्पर्स्ड फेज के साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम पे जो है स्पीड ऑफ मोशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, जो मैंने स्टेबिलिटी वाली बात बताई थी वो भी लिखाई दूँ आपको ना, लिखना अच्छा लगता है आप लोगों को। तो ड्यू टू ब्राउनियन मोशन डीपी पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द वेसल। Due to the Brownian motion, DP particles do not settle down at the bottom of the vessel. तो क्लियर है भाई। तीसरा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी When a beam of light pass through a sol, ठीक है। अब कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे, तीसरी, वो वाला समझ में आई गया आपको, ब्राउनियन मोशन आ गया ना भाई, उसकी वजह से स्टेबिलिटी भी आपको आ गई है, कमाल है आप लोग। तो when a beam of light pass through a sol is viewed at right angles, okay my god, viewed at right angles, okay, ये तो physics हो जाएगी, is viewed at right angle from the direction of light, ठीक है। movie वूवी देखी कि नहीं, cinema hall में थोड़ा सब जरूरत पड़ जाएगी, picture में देखा होगा, दृश्यम मूवी में जो है मूवी देख रहे होते तो एक बीम ऑफ लाइट दिखती उसमें, ठीक है। तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ सॉल इज व्यूड एट राइट एंगल्स फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ लाइट, देन द पाथ ऑफ बीम बिकम्स विजिबल,
ठंडियों में भी आपको दिखता जब फॉग वगैरह रहते, क्योंकि वो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, देन द पाथ ऑफ बीम बिकम्स विजिबल। ठीक है, तो मतलब कि लाइट जो है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक बना लेता हूँ ऐसे आपका सिचुएशन, और इसमें कोलाइड्स हैं, तो मान लीजिए इधर से लाइट डाली जा रही है और नीचे से आप मान लीजिए देख रहे हैं राइट एंगल्स पे, और लाइट ऐसे आ रही है, देखो लाइट और इसके बीच में 90 डिग्री, नीचे से देख रहे हैं आप, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि लाइट जो है ऐसे फैल रही होगी, ऐसे ऐसे फैल रही होगी, ठीक है। खासतौर पे प्रोजेक्टर जो लगा रहता है मूवी हॉल्स में, या स्क्रीन रहती है, तो यह रियल इमेज बनती है, ठीक है। तो यहाँ से ये भेजता है, तो यह सॉल है, सॉल, तो सॉल के थ्रू जब लाइट डालेंगे तो आपको पूरा पाथ ऑफ द लाइट विल बी विजिबल, कि कैसे फैल रही होगी। ब्राउनियन मोशन की वजह से एक दूसरे से टकरा हो रहा होगा ऐसे ऐसे। अब ब्राउनियन मोशन क्या मैं बोलूँ इसको, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग पढ़ा है ना अपने फिजिक्स के अंदर लाइट चैप्टर, तो स्कैटरिंग की वजह से रेले स्कैटरिंग वगैरह, ठीक है। ब्लू कलर और क्यों है ये स्काई का, ठीक है। तो ये सब भी कहानी लिखी हुई है एनसीईआरटी में, पढ़िए भाई, तो पढ़ना है। अब ये सब थोड़ी नहीं आपको हम बताएंगे, ठीक है। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ सॉल इज व्यूड एट राइट एंगल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, देन द पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल, दिस वे इट बिकम्स विजिबल। यू कैन सी कि ये आपको दिख रहा है जैसे ट्राइंगल, अब नीचे से देखोगे तो यू विल बी फाइंडिंग आउट इट एज लाइक ट्राइंगल, क्योंकि वो 2D देख पाओगे आप जब, लेकिन 3D उसको देखा जाए तो वो कोन बनता है। ट्राइंगल को घुमा दो अगर तो वो क्या बनता है, जैसे ट्राइंगल लिया मैंने राइट एंगल ट्राइंगल, एंड इफ आई मूव लाइक दिस, उसको रोटेट कर दूँ अगर मैं एक्सिस को कॉन्स्टेंट बना के यू रोटेट कर दूँ, तो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म जो है कोन। तो अब इस पाथ ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, सो द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल कोन। तो ये जो पाथ ऑफ लाइट है इसको हम लोग क्या बोलते भाई, टिंडल कोन बोलते, क्योंकि कोन जैसा इसका लोकस बन रहा है। एंड इस फिनोमिना, क्योंकि टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने किया था इसको, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडा विंडा खाया होगा आपने, ठीक है, उसी टाइप का नाम है टिंडल इफेक्ट, तो इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट भाई, ठीक है। तो ये क्या था, ये प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर इन सिनेमा हॉल, ठीक है। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ सॉल इज व्यूड एट राइट एंगल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ लाइट, एंड द पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल, एंड द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल कोन, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो ये आपने जरूर देखा होगा, ठीक है। तो बेसिकली कैसे होता है कि जो सॉल पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड देन दे स्कैटर दोज पार्टिकल्स। क्यों होता है ये, तो सॉल पार्टिकल्स एब्जॉर्ब द इनकमिंग लाइट, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं इनकमिंग लाइट को, देन स्कैटर इट, फिर उसको वो स्कैटर करते हैं, देन स्कैटर इट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, देन दे स्कैटर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, Due to which the path becomes bright. Due to which the path becomes bright. तो समझ में आई कहानी, कुछ तो कहानी समझ में आई होगी कि सॉल पार्टिकल्स जो भी इनकमिंग लाइट आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसको स्कैटर कर देते हैं सभी पॉसिबल डायरेक्शन में, जिससे कि हमारा पाथ जो है ब्राइट बन जाता है। तो स्कैटरिंग की वजह से होता है कि यहाँ से लाइट आई और बाद में इसने एब्जॉर्ब करके सभी लाइट को स्कैटरिंग कर दी इसकी, ठीक है। तो फैल रही है लाइट, और फैल रही है तो कौन जैसा वो लोकस बना लेती है, ठीक है।
तो क्लियर है भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब टिंडल इफेक्ट हो, ऐसा नहीं कि हर जगह टिंडल इफेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए आपके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि भाई कहाँ टिंडल इफेक्ट होगा और कहाँ टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए, फॉर टिंडल इफेक्ट टू अकर, फर्स्ट चीज जो है कि डायमीटर ऑफ डीपी पार्टिकल शुड नॉट बी मच स्मॉलर देन, ठीक है, तो कंडीशन है वेवलेंथ ऑफ लाइट से डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स जो है छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो फिजिक्स हो जाएगा, क्यों ऐसा क्या है, समझाया भी गया आप लोगों को स्कैटरिंग में, लैम्डा वगैरह पे डिपेंड करता है, ठीक है, रेले स्कैटरिंग। तो डायमीटर ऑफ डीपी पार्टिकल शुड नॉट बी मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, एंड सेकेंड पॉइंट इज रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ डीपी एंड डीएम should have large differences, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हैं डीपी और डीएम के, दे शुड हैव लार्ज डिफरेंसेस, उनमें लार्ज डिफरेंसेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, एक तो क्या होगा कि भाई बेंडिंग वेंडिंग होगी लाइट की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस की वजह से ज़्यादा बेंडिंग होती, और डायमीटर ऑफ द डीपी पार्टिकल शुड नॉट बी मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशंस। एंड बाकी टिंडल इफेक्ट वगैरह क्या होता है, तो अब इसको आप लिखोगे कि कोलाइड्स में टिंडल इफेक्ट होता है और ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंस लिखने का, तो ये वाला पॉइंट भी उसके डिफरेंस में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब चौथी प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अब हम लोग किस पार्ट चीज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि चार्ज वगैरह रहता है सॉल पे, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी आएगी। तो अब यहाँ पर कहानी जो पहली कहानी है कि डबल लेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अभी पेप्टाइजेशन प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने सीखा कि डबल लेयर फॉर्मेशन होता है, याद है AgCl बाई NaCl वाला एग्जाम्पल लिया था, तो आपने देखा था कि अंदर AgCl था और NaCl डाला तो Cl- एडजॉर्ब हो गया, Cl- यहाँ पर क्या हो गया, एडजॉर्ब हो गया, और फिर बाहर से Na+ विद एक्वस की एक ये आई, ये पूरा ऐसे बन गया सिनेरियो, ठीक है। और ये AgCl Cl- अगले वाले पार्टिकल्स को अपने पास नहीं आने दे रहा है, तो वो दूर दूर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लेयर तो फिक्स लेयर है, ये वाली लेयर जो डैश डैश करके दिखा रहे हैं दिस इज फिक्स, यानी कि जुड़ी हुए हैं ये पार्टिकल्स, लेकिन ये तो आपके आयनिक बॉन्ड्स की वजह से Na+ वाले यहाँ पर आए, तो ये डिफ्यूज्ड है, भले ही मैंने इसको सॉलिड टाइप से दिखाया है, ठीक है। Na+ की जो लेयर है वो डिफ्यूज्ड है, वो आयनिक बॉन्ड की वजह से डिफ्यूज्ड लेयर, दिस इज देयर इज आयनिक बॉन्ड, ठीक है भाई, आयनिक बॉन्ड का कारण है यहाँ पर। और फिक्स लेयर जो है इसमें आपका जो है एड्सॉर्प्शन कारण है, एड्सॉर्प्शन कारण, तो समझ में आ रहा है। तो डबल लेयर इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग इसके बारे में, सिंस द सरफेस, तो समझ तो गए आप डबल लेयर फॉर्मेशन ना, सिंस द सरफेस ऑफ सॉल पार्टिकल इज कवर्ड बाय द आयन, अब देख ही ले आप आयन से कवर है, इज कवर्ड बाय द आयन
फर्निश्ड बाय द स्टेबलाइजिंग एजेंट, पेप्टाइजिंग एजेंट, फर्निश्ड बाय वो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फर्निश्ड बाय द स्टेबलाइजिंग एजेंट बोल देते हैं, स्टेबलाइजिंग ये वर्ड भी आए तो आप जानो, पेप्टाइजिंग एजेंट वर्ड आए तो भी जानो, जान पहचान हर चीज़ से होनी चाहिए। तो ड्यू टू विच अ लेयर इज फॉर्म्ड, ड्यू टू विच A layer is formed, on the surface of DP particle, ठीक है, समझ गए भाई कहानी। Known as fixed charge layer, clear भाई? तो ये example दे, तो पूरी कहानी मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। तो दिस लेयर, अब ये जो लेयर है, ये अट्रैक्ट कर रहा है डिफ्यूज लेयर को, तभी तो डबल लेयर बनेगा। दिस लेयर नाउ अट्रैक्ट्स अपोजिट आयंस, अब ये क्या कर रहा है, अपोजिट आयंस को अट्रैक्ट कर रहा है, अपोजिट आयंस फ्रॉम डीएम के, forming another layer, अब दूसरी layer ये बना रहा है, forming another layer known as diffuse layer, और उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, diffused layer का नाम दे रहे हैं, बहुत शानदार, ठीक है। hence electric double layer is formed, तो एक double layer बनती है यहाँ पर, is formed on the surface of DP particle, अब ये important है जो मैं लिखा रहा हूँ, इसके बाद की बात है, पहले आपको layer सीख ही गए हो, सरफेस ऑफ डीपी पार्टिकल, और पोटेंशियल पढ़ चुके हो आजकल, कैपेसिटेंस वगैरह चल रहा है, तो वहाँ पे भी पोटेंशियल का बहुत ही मायने है। सो सरफेस ऑफ डीपी पार्टिकल, तो भाई जैसे ही चार्ज का डिफरेंस हो जाता है, आपने देखा होगा चार्ज को सेपरेट करो तो वहाँ पोटेंशियल क्रिएट होता है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज लेयर्स इज क्रिएटेड बिकॉज द चार्ज हैज बीन सेपरेटेड देयर। तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बच्चों, उस पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है उसका एक नाम है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो बच्चे बिल्कुल रटंत बच्चे अपने, वो तो रट नहीं पाए थे, उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि वो क्या है, ठीक है भैया। रटना नहीं है, आपके तो पास फिजिक्स के भी कॉन्सेप्ट है, मैथ की भी चीज़ें आपकी एकदम मजबूत हैं, और आपका केमिस्ट्री मजबूत है, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं जीटा पोटेंशियल, जीता नहीं जीटा पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल है, ये जो सीएल माइनस एजीसीएल माइनस की लेयर है और ये जो एनए प्लस की लेयर है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है उसको हम लोग कहते हैं जीटा पोटेंशियल। तो इस नाम से पूछ लिया जाता है, या फिर पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, क्या पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है भाई। अब हम लोग क्या देखेंगे, एक नया टॉपिक इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसका काम क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये इलेक्ट्रिकली प्रॉपर्टी में, टू आइडेंटिफाई कि हमारा सॉल पॉजिटिव सॉल है कि नेगेटिव सॉल है। इसके लिए हम लोग एक मेथड जो है देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो डायग्राम आप देखोगे तो अच्छा खासा डायग्राम आपका एनसीईआरटी में बना हुआ है, और हम यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं, आप एनसीईआरटी का भी डायग्राम एग्जाम्स में बना सकते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा कलाकारी वाला है, इतनी कलाकारी नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। तो एक एनोड लगा दीजिए भैया, ऐसा आता तो आपको पता ही, एनोड एनोड आ जाते हैं भाई। तो एनोड जो है आपका पॉजिटिव रहेगा यहाँ, और ये कैथोड है, एनोड पे क्या होता है,
ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। बोल बोल तो नहीं गए ये सब बातें। तो ये प्लस है तो भैया ये प्लस है, तो पुरानी एनसीईआरटी में थोड़ा गलत जोड़े हुए हैं देख लेना भाई, नई एनसीईआरटी में सही है। और ये सॉल है, सॉल सॉल, और जो सॉल है उसमें दोनों टाइप के पार्टिकल्स होंगे। अरे देखा ना डबल लेयर बनी है तो सीएल माइनस वाले भी पार्टिकल्स हैं और एनए प्लस वाले भी पार्टिकल्स हैं, तो सॉल पे दोनों टाइप के पार्टिकल्स हैं। ठीक है भाई, सॉल पे दोनों टाइप के पार्टिकल्स हैं। तो जनरली जनरली दिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉल पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, जनरली यूज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉल एज पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, ऑन पासिंग करेंट डीपी पार्टिकल्स, अब बहुत अच्छे से लिख लो फिर समझाएंगे। डीपी पार्टिकल्स कैरिंग, या तो डीपी पार्टिकल्स पे देखो पॉजिटिव, जैसे मान लीजिए कि सीएल माइनस वाला उसके ऊपर आया तो निगेटिव बन गया, और एजी प्लस का पार्टिकल एजी सीएल के ऊपर आया तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुछ तो आएगा ही उनके ऊपर, डीपी पार्टिकल्स के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या तो निगेटिव चार्ज आएगा। तो चार्ज, अब मूवमेंट किसका होगा भाई, डीपी पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। तो जब आप करंट सप्लाई करेंगे तो डीपी पार्टिकल्स में जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है ये मूव करेगा, और किधर मूव करेगा, मूव किधर करेगा, इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेगा, ऑब्वियसली मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स वेयर द एब्जॉर्ब्ड चार्ज, जो आपने एब्जॉर्ब किया था चार्ज को, आपने क्या किया था, उसने खुद ही किया था, वेयर द एब्जॉर्ब्स चार्ज। अब जो एब्जॉर्ब चार्ज होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, गेट्स डिस्चार्ज एट इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो एब्जॉर्ब चार्ज गेट डिस्चार्ज ड्यू टू विच डीपी पार्टिकल्स कम क्लोजर। अब डीपी पार्टिकल्स कैसे हो जाते हैं, पास पास आ जाएंगे भाई अब तो, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोलाइट डाल के उनके ऊपर चार्ज डाल के उनको कंडेंस होने से बचाया था, इसीलिए आपका ये पेप्टाइजेशन हो पाया था। तो पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड फॉर्म प्रेसिपिटेट, अब आपका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, प्रेसिपिटेट। अब हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो प्रेसिपिटेट मिला है इसको आप क्या करो, ले लो भाई। अब जो प्रेसिपिटेट मिला है उसको एक ट्यूब में ले लो, द सॉल इज आइडेंटिफाइड बाय द ट्यूब इन विच पीपीटी इज फॉर्म्ड। ठीक है भैया, तो कैसे, अब मान लीजिए अब पीपीटी को हम लोग अगर एनोड ट्यूब की तरफ ले और वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है एनोड ट्यूब, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो पीपीटी अगर एनोड ट्यूब में आया है, ठीक है, जो पीपीटी है वो एनोड ट्यूब की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, तो यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अगर ये अट्रैक्ट हुआ है तो इसके पास निगेटिव पार्टिकल रहे होंगे तभी तो गया है, और निगेटिव पार्टिकल रहा होगा तो ये निगेटिव सॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव। इसी तरीके से आप पॉजिटिव के लिए कर सकते हैं, तो वाइस वर्सा हो गई। ठीक है, तो भैया समझ गए। तो क्या किया हम लोगों ने, इलेक्ट्रोफोरेसिस में
एनोड कैथोड बनाए, ठीक है, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। अब जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि पॉजिटिव सॉल है कि नेगेटिव सॉल है। पॉजिटिव सॉल को बोलते हैं जब डीपी पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और डीपी पार्टिकल्स पर नेगेटिव, जैसे AgCl पे Ag प्लस आया तो फिर वो पॉजिटिव सॉल कहलाए, AgCl पे Cl माइनस एब्जॉर्ब हो गया तो उसको निगेटिव सॉल कहते हैं। जब हम लोग करंट को पास कर रहे हैं तो डीपी पार्टिकल्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वो इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, जहाँ पे वो एड्जॉर्ब हो जाएंगे और चार्ज जो है उनका डिस्चार्ज हो जाएगा, ड्यू टू विच डीपी पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड दे फॉर्म प्रेसिपिटेट। तो सोल्यूशन इज आइडेंटिफाइड बाय द ट्यूब इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। अब प्रेसिपिटेट एनोड ट्यूब में था तो इसका मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, भाई दो ट्यूब हैं वो प्रेसिपिटेट इधर बैठ गया, प्रेसिपिटेट इधर बैठ गया तो इसका मतलब कि नेगेटिव रहा होगा, है ना भाई, नेगेटिव वाला पोर्शन रहा होगा उसके ऊपर, उसने एनोड से इस नेगेटिव वाले को डिस्चार्ज किया और यहाँ पे बिना चार्ज वाली चीज़ बैठ गई चुपचाप शांति से। और अगर पॉजिटिव वाला जाएगा तो कैथोड की तरफ जाएगा और यहाँ बैठ जाएगा भैया, तो वो पॉजिटिव सॉल हो जाएगा। तो पॉजिटिव सॉल कैथोड की तरफ बैठ जाएगा कैथोड वाली ट्यूब पे, और नेगेटिव वाला जो है सॉल वो बैठ जाएगा एनोड ट्यूब पे। ये है एनोड ट्यूब और कैथोड ट्यूब। तो समझे कि नहीं समझे, तो जब डायग्राम देखते हो तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो गेट ड्यू टू विच द डीपी पार्टिकल्स इन फॉर्म एंड द सॉल इज आइडेंटिफाई। तो भैया कोई दिक्कत हो तो बोल देना। अब इस फिनोमिना के ऊपर कई सारे चीज़ें काम करती हैं, ठीक है, इस फिनोमिना के ऊपर कई सारी चीज़ें काम करती हैं, जैसे कि चिमनी, ठीक है। तो स्मोक प्रेसिपिटेटर्स लगाए जाते हैं, आप देखोगे कंपनियों में ऊपर जो है वैसा गोल 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 घूमता रहता है जहाँ चिमनी आ रही, तो स्मोक प्रेसिपिटेटर्स लगाए जाते हैं या उनको चिमनी भी कहते हैं, प्रेसिपिटेटर्स, स्मोक प्रेसिपिटेटर्स। तो दे वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, उनमें इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर MCQs ये सब बनेंगे। बोल रहे ना कि जितना पढ़ाया जा रहा है इससे बाहर क्या आएगा, ठीक है। अब कोई ऐसे सड़ा सा क्वेश्चन वो लोग NCERT पूछ ले थ्योरी वाली हो तो अलग बात है, बाकी जितने भी समझाने वाली चीज़ें वो आपको हम समझा रहे हैं। थ्योरी इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि पढ़ें NCERT पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे पेपर बनाते रहते हैं तो इधर उधर से उठा के कोई भी पॉइंट आपका NCERT से पूछ सकते हैं। और ख़ास तौर पर नीट के जो स्टूडेंट हैं प्यारे बच्चे, उनको तो NCERT बिल्कुल मतलब उनके लिए NCERT रामबाण है, ठीक है। और ऐसा नहीं है आप ये सोचो कि केवल, बहुत सारे आपको लोग कहेंगे कि NCERT पढ़ लिया तो सब आ गया भैया, ठीक है, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है, ये भी जानिए। आप खास तौर पे केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करें तो ऐसा नहीं है, ठीक है। NCERT एक बेस बुक है, उसके ऊपर भी आपको बिल्डअप करना पड़ता है। तो स्मोक सॉल और चिमनी में पॉजिटिव और नेगेटिव जो है आपके क्या लगे रहते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स होंगे, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स रहेंगे स्मोक में, जब वो चिमनी से पास करेंगे तो वो ये इनको डिस्चार्ज कर देगा, और जो स्मोक रहेगा उसमें फिर चार्ज पार्टिकल्स नहीं रहेंगे। वैसा स्मोक खतरनाक नहीं है, चार्ज पार्टिकल्स वाला स्मोक आपकी बॉडी के लिए खतरनाक है, लेकिन विदाउट चार्ज पार्टिकल वाला इज लाइक अ कार्बन, तो फिर कार्बन इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जो आयंस रहते, सल्फेट आयंस, नाइट्रेट आयंस, उनको ये डिस्चार्ज करके जो है ख़त्म कर देता है। तो ये आप समझें, तो स्मोक जब चिमनी, स्मोक जब चिमनी से पास होता है, ठीक है भैया, जब स्मोक चिमनी से पास होता है तब नेगेटिव पार्टिकल्स
इलेक्ट्रोड पे क्या करने गए थे वहां पर? डिस्चार्ज होने, इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज, जोर का झटका लगता है इन लोगों को, डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, हो जाते हैं, और स्मोक जो होता है वो कम हार्मफुल हो जाता है, और स्मोक जो होता है डिस्चार्ज स्मोक जो होता है दैट इज कम हार्मफुल, और फिर उसको छोड़ दिया जाता बाहर, कम हार्मफुल रहता है, ठीक है भैया। अब समझ गए होगे सारी कहानी ना, कीर्तन तो क्लियर है, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी आ गया, कोई परेशानी जीवन में तो ये थोड़ा सा हम लोग अभी बाद में क्वेश्चन करेंगे आके वापस लौट के, क्योंकि कोगुलेशन टॉपिक्स हैं और कोगुलेशन एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते, तो वो दो क्वेश्चन भी उसी पे थे, तो साइड में लगा दीजिएगा स्टार की बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है यार, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अब तक जो भी पढ़ा आपने आज के लेक्चर में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जिसपे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो कोगुलेशन इज व्हाट, फ्लॉकुलेशन इज व्हाट, है ना, दोनों एक ही जैसी चीजें, बड़ा ही शानदार सा छोटा सा डिफरेंस है जो आपको आज बताया जाएगा कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन में, ठीक है भैया। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग a sol into precipitate, a process of converting a sol into precipitate is known as coagulation. तो देखो peptization में हम लोग क्या कर रहे थे, peptization में हम लोग precipitate को sol में बदल रहे थे, और उसका जो उल्टा process है कि सॉल को प्रेसिपिटेट में बदल देना, दैट इज कोगुलेशन। अब भैया कोगुलेशन में आप एक चीज बताइए कि सॉल में प्रेसिपिटेशन, सॉल में जो उसकी स्टेबिलिटी हो किस कारण से है, वो डबल लेयर जो फॉर्मेशन हुआ है ना उसकी वजह से, ठीक है, जो उसने एड्सॉर्ब कर लिया है चार्ज ना उसी की वजह से तो है। सो सिंस द स्टेबिलिटी ऑफ सॉल, सिंस द स्टेबिलिटी ऑफ सॉल इज ड्यू टू चार्ज एड्सॉर्ब्ड, है ना, ये कहानी बताई मैंने आपको, लिख लो प्यारे बच्चों, सिंस द स्टेबिलिटी ऑफ सॉल इज ड्यू टू द चार्ज एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, सरफेस पे चार्ज एड्सॉर्ब्ड हो जाता है, और किसी तरीके से अगर आप इस चार्ज को रिमूव कर दो तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा वापस से, क्योंकि पहले से उसकी टेंडेंसी थी आपस में इकट्ठा होने की और प्रेसिपिटेट बनाने को, तो जबरदस्ती चार्ज हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाल के डाला था, स्टेबलाइजिंग एजेंट को डाला था या पेप्टाइजिंग एजेंट को वहां पे डाला था, याद है। सो इफ दिस चार्ज इज रिमूव्ड, अगर इस चार्ज को रिमूव कर दिया जाए बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से आप इस चार्ज को अगर रिमूव कर दें तो पार्टिकल्स कम क्लोजर, तो पार्टिकल कम्स क्लोजर एंड फॉर्म प्रेसिपिटेट, बस यही है इसी को मानना है आपको, ठीक है, यही है कोगुलेशन और कुछ नहीं है। अब आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, अगर प्रेसिपिटेट, ये मेन पॉइंट बोर्ड के लिए, अब प्रेसिपिटेट अगर बॉटम में पहुंच जाए तो उसको कहते हैं कोगुलेशन, और प्रेसिपिटेट अगर ऊपर ही अटका रहे यानी कि फ्लोट्स एट सरफेस तो उसको कहते हैं फ्लॉकुलेशन। फ्लॉकुलेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, दैट इज द फ्लॉकुलेशन। तो दैट डिपेंड्स अपॉन कि भैया ये जो डिस्पर्स फेज है हमारा उनकी डेंसिटी कैसी, डेंसिटी हाई हुई तो प्रेसिपिटेट विल कम एट द बॉटम, एंड इफ द डेंसिटी इज लो देन इट विल बी फ्लोटिंग एट द सर्फेस, और क्या इसमें, तो क्या हो गया, इज बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ डीपी, ठीक है भाई।
तो समझ में आ गया, कोगुलेशन इज उल्टा ऑफ पेप्टाइजेशन, कोगुलेशन में सॉल्ट जो है खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज को हटाओ, सॉल्ट विल बिकम प्रेसिपिटेट, तो सॉल्ट को निपटा देना इज नोन एज कोगुलेशन, ठीक है भाई। अब अलग अलग मेथड्स होते हैं कोगुलेशन के, उसमें से एक ही मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाकी के फिर से आपको एनसीईआरटी की सलाह दी जाएगी कि बाकी की चीज़ें कहीं आ गई तो एनसीईआरटी जय हो। तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ कोगुलेशन, अलग अलग मेथड, हालांकि मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़ लें क्योंकि वो रट्टा वाली चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ लिखने को आ गया शॉर्ट नोट और, तो लिखने में आपको काफ़ी आनंद महसूस होगा, ठीक है। तो भाई देखिए, फिर से बनाने में भी तू ही भगवान, मिटाने में भी तू ही भगवान, यानी कि जब पेप्टाइजिंग एजेंट की भी बात आई थी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स उसके अंदर डाले गए, ठीक है। तो और मिटाना भी है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालना है, सो बाय एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। बनाने वाला तू ही है ना, मिटाने वाला भी तू ही है, तो ये समझे आप। तो बनाने में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया और कोगुलेशन में भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाएगा, ये तो हद हो गई, ऐसे कैसे। अरे भैया, इलेक्ट्रोलाइट ही डाल के तो बनाए थे, तो ऐसे कैसे कर दिया भाई। बॉइलिंग से, इलेक्ट्रोफोरेसिस से, अरे इलेक्ट्रोफोरेसिस तो पढ़ भी चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। और एक परसिस्टेंट डायलिसिस, ये भी नाम सुने हम तो, डायलिसिस वायलिसिस नाम सुने, परसिस्टेंट डायलिसिस नया नाम बता रहे हो बाल, ठीक है। और एक पांचवा है बहुत ही बढ़िया, बाय एडिशन ऑफ अपोजिट सॉल, ये क्या होता है, बाय एडिशन ऑफ अपोजिट सॉल, अरे बड़ा प्यारा चैप्टर है ना, चार ही लेक्चर में खत्म हो गया और सब कराया गया आपको बढ़िया, वो कम समय लिया गया आपको, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, सारा ज्ञान इन लेस टाइम है ना। सो बाय एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बाय बॉइलिंग, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, बाय एडिशन ऑफ अपोजिट सॉल्ट। तो देखो, दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि सॉल है AgCl.Ag+ का सॉल है, तो ये जो डॉट डॉट दैट इज द फोर्स बाइंड एड्सॉर्ब जो मॉलिक्यूल है Ag+ जो लेयर है वो है, तो अगर आप इसको बॉयल करेंगे तो आप क्या है कि इसके जो है बॉन्ड को तोड़ रहे हैं आप, इतना बॉयल करिए भैया, इतना ज़्यादा इसको एनर्जी दीजिए कि टूट जाए AgCl से Ag+, तो ये बॉयलिंग वाला प्रोसेस हो गया। और इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते थे कि भाई इसके चार्ज को ही न्यूट्रलाइज कर देते हो, अगर चार्ज को ही न्यूट्रलाइज कर देते हो तो फिर इसकी स्टेबिलिटी कहाँ रही। इलेक्ट्रोफोरेसिस में इलेक्ट्रोड्स लगे थे तो AgCl.Ag+ निगेटिव वाले की तरफ जाएगा और अपने आप को डिस्चार्ज कर दिया, और डिस्चार्ज कर दिया तो जो भी अट्रैक्शन पट्रैक्शन इसका डिस्पर्जन मीडियम के साथ था वो खत्म हो गया और ये भाई साहब बाहर निकल गए और AgCl मिल मिल के प्रेसिपिटेट बनाने लगे। चौथा भाई, परसिस्टेंट डायलिसिस, आप इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करिए भाई कि ये बॉन्ड टूट जाए, डायलिसिस में प्रेशर अप्लाई करते थे हम लोग, याद होगा, परसिस्टेंट डायलिसिस में ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करिए, वहाँ तो केवल पार्टिकल्स को बाहर निकालना था, जो जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स जो इम्प्योरिटीज थी ब्लड के अंदर उनको आपको हाई प्रेशर आप जो है प्रेशर लगा के कर रहे। अब यहाँ उनके बॉन्ड तक को तोड़ देना है, यहाँ उनके बॉन्ड तक को तोड़ देना है तो आपको परसिस्टेंट डायलिसिस मतलब और हाई प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत है। और बाय एडिशन ऑफ अपोजिट सॉल आपको तब समझ में आएगा जब हम पहला आपको बता देंगे। वेरी गुड, तालियां बजनी चाहिए, ठीक है, बजाइए आपने। तो अब ये इम्पोर्टेंट वाली बात हम लोग आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। By addition of strong electrolyte, तो ये कोड वर्ड क्या है इसका, बचाने वाला भी तू ही, मिटाने वाला भी तू ही, ठीक है। तो भैया कोगुलेशन करने में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हाथ है। अब देखिए जो सॉल है, सॉल पिछली बार हम लोगों ने क्या कहा था, DP लो है ना,
उसको डीएम में मिलाओ और थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट डालो, अति ना करें किसी चीज की। यहां अति करनी, अति अति मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट यहां पर आपको डालना है, एक्सेस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो सॉल है और उसमें आप एक्सेस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को मिलाएंगे तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अच्छा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या है कारण, धीरे धीरे समझेंगे। समझने के लिए तो हैं हम लोग, समझदार इंसान। ठीक है भाई, तो सॉल में एक्सेस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग मिलाएंगे तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो यहाँ पे जो, वहाँ पे तो ये आपका पेप्टाइजिंग एजेंट कहलाता था या स्टेबलाइजिंग एजेंट कहलाता था, यहाँ पे ये आपका यमदूत कहलाता है, निपटाने का काम करता है। यानी कि द स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कोगुलेटिंग एजेंट, इज कॉल्ड कोगुलेटिंग एजेंट, कोगुलेटिंग एजेंट। तो ये क्या कहलाता है आपका, कोगुलेटिंग एजेंट। द स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कोगुलेटिंग एजेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका सॉल होता है ये उल्टे पार्टिकल द्वारा कोगुलेट किया जाता है, उल्टे पार्टिकल द्वारा कोगुलेट किया जाता है। इसका क्या मतलब है तो लिख देते हैं, फिर आप खुद ही समझोगे, समझदार होना जरूरी है लाइफ में। ठीक है, एक्चुअली द सॉल विल कोगुलेट, द सॉल विल कोगुलेट, कोगुलेट। ठीक है, एक्चुअली द सॉल विल कोगुलेट बाई अपोजिट आयन, बाई अपोजिट आयन, अपोजिट आयन फर्निश्ड बाई इलेक्ट्रोड, फर्निश्ड बाई इलेक्ट्रोलाइट, फर्निश्ड बाई इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव सॉल, दैट इज पॉजिटिव सॉल बाई एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, पॉजिटिव सॉल बाई एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो पॉजिटिव सॉल बाई एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नेगेटिव सॉल बाई कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो पॉजिटिव सॉल बाई एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नेगेटिव सॉल बाई कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। तो समझ में आया, पॉजिटिव सॉल्व बाय एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नेगेटिव सॉल्व बाय कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब आइए, अब एग्जांपल है यहां पर, अब समझ में आएगा। पॉजिटिव सॉल्व को एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट खत्म करेगा और नेगेटिव सॉल्व को कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कैसे, कैसे देखिएगा, तो FeOH3 सॉल्व का एग्जांपल लेते, बहुत ही सिंपल है, अभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, जो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये आपको पता होगा, पॉजिटिव सॉल्व में एग्जांपल लिखाया था हम लोगों ने, मेटल हाइड्रोक्साइड के जो सॉल हैं वो पॉजिटिव सॉल है, मेटल है ना, पॉजिटिव सॉल है। अब इसको कोगुलेट, अब भाई इसमें देखिए प्लस चार्ज है, अगर हम उस प्लस चार्ज को ही ख़त्म कर दें तो इनका जो लेयर वेयर है निपट जाएगा। जैसे पॉजिटिव सॉल्व में Ag प्लस था, अब हम डाल दें इसमें निगेटिव, बहुत ज़्यादा डाल दें, बहुत ज़्यादा कम डालते हैं तो वो रहता है निगेटिव पार्टिकल, लेकिन वो इस तरीके का काम नहीं कर पाता, काम इसका नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन ज़्यादा डालने पर, ठीक है, ज़्यादा डालने पर ये उसको क्या करेगा, ये सब पार्टिकल्स के पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर देगा। तो यानी कि ये किसके द्वारा कोगुलेट किए जाएंगे, किसके द्वारा कोगुलेट किए जाएंगे, Cl- Br- SO42- PO43- इन सब की वजह से। तो मेटल हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव साल है तो निगेटिव डालेंगे तो इनका निगेटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा भाई, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस में न्यूट्रलाइज कर देते थे चार्ज को। तो यहाँ पर हम लोग जो है आयन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आयन डाल के इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि सल्फाइड आयन्स जो होते हैं, सल्फाइड सॉल्स जो होते हैं वो आपके नेगेटिव सॉल होते हैं, तो ऑब्वियसली
तो इसमें क्या होगा कि मेटल सल्फाइड्स, उनको पॉजिटिव्स करोगे ना, तो मेटल सल्फाइड्स जो है वो कैसे होते हैं, वो निगेटिव सॉल्व होते हैं एंड दे विल बी कोगुलेटेड बाई, बोलो बोलो, कोगुलेटेड बाई कैसे, पॉजिटिव एन ए प्लस के प्लस एम जी टू प्लस एटसेट्रा। तो ए एस टू एस थ्री सॉल्व जो कि मेटल सल्फाइड है वो निगेटिव सॉल्व है एंड दे आर कोगुलेटेड बाई एन ए प्लस के प्लस एम जी टू प्लस। ठीक है, अब हम लोग ये कहाँ से आ गया, एडसॉर्प्शन। अब हम लोग यहाँ पर हार्डी 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 सूल्स, हार्डी शोल्स रूल पढ़ेंगे। तो किसी चीज की कोगुलेटिंग पावर कितनी है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, किसी चीज की कोगुलेटिंग पावर कितनी है। कि अब देखो कोगुलेटिंग पावर इज डिपेंडेंट कि भाई एक पार्टिकल कितने ज़्यादा घुमा लीजिए, किसी चीज़ की कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा है यानी कि इस इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा है, मतलब उसका एक पार्टिकल बहुत सारे सॉल को निपटा दे, तभी तो पावर है। मतलब आप एक मिसाइल डाले और बहुत सत्यानाश मचा दें आप, है ना, तो आपकी पावर बहुत है। अब 100 डाल रहे हैं और सब रुके जा रहे हैं आपके मिसाइल, एक भी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आपकी पावर कम है ना। जैसे मान लो अगर नेपाल हम लोग के ऊपर अटैक कर दे तो उसकी मिसाइल विसाइल तो इंडिया रोक ही लेगा ना। जैसे अभी इसराइल और पैलेस्टीन का चल रहा है हिसाब किताब, तो पैलेस्टीन ने बड़े हीरो बन के पहले 200-400 मिसाइलें डाल दी। अब उनकी मिसाइलें इतनी पावरफुल नहीं थी और उनके पास एंटी मिसाइल सिस्टम, आप जानते हो कि इसराइल काफ़ी जो है टेक्निकली एडवांस है अपने आप को सेव करने के लिए, क्योंकि बहुत चारों तरफ उसके दुश्मन बसे हुए हैं। तो क्या हुआ कि जब उसने डाला तो इसके सिस्टम ने बहुत सारी मिसाइलें रोक ली और कुछ ही जाग, फिर जब उसने डाली मिसाइलें, अब इनके पास तो ये एंटी मिसाइल सिस्टम वगैरह थे नहीं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो ये है, तो कोगुलेटिंग पावर का मतलब है कि एक ही करे घाव बड़ा गंभीर, है ना। तो यानी कि अब यहाँ पे तो चार्ज न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो सोचो कि जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज है, जैसे +3 चार्ज है और आपका जो सॉल है वो माइनस का है, तो इसके तो एक ही पार्टिकल तीन को निपटा देंगे भाई, +3 और माइनस माइनस के तीन है तो ये तीन को निपटा देगा। लेकिन अगर एक ही प्लस का डालोगे तो तीन डालने पड़ेंगे, तो अमाउंट ज़्यादा डालना पड़ेगा ना, समझे। तो कोगुलेटिंग पावर ऑफ आयन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब चार्ज ऑफ आयन, मॉड ऑफ चार्ज ऑफ आयन, ठीक है। और निगेटिव तो होना ही चाहिए, तो आप समझते ही हो। और मान लीजिए कि अगर सेम चार्ज है प्यारे बच्चों, अगर चार्ज सेम है तो फिर क्या, वो चार्ज की पावर, छोटा वाला चार्ज जो होता है ना वो गंभीर काम करता है। तो बहुत पढ़ा आपने हाइड्रोजन एंड कंपाउंड वगैरह से चालू हो जाता है ये सब काम, ठीक है। तो साइज ऑफ आयन पे डिपेंड करता है, जितना छोटा रहेगा उतना भयानक उसका पोलराइजिंग पावर रहता है, ठीक है। तो उसी टाइप से कोगुलेटिंग पावर भी निपटाने का काम है। तो ये दो बातों पे सवाल होते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास FeOH3 का सॉल है, तो अगर इसमें कोगुलेटिंग पावर अपने को देखनी है तो जैसे कि फॉस्फेट है हमारे पास, सल्फेट है हमारे पास, Cl- है, Br- है, तो एक बात देखिएगा कि तीन वाला, क्योंकि ये तो पॉजिटिव सॉल है, तो तीन वाला दो वाले ज़्यादा होगा, दो वाला एक वाले। अब इन दोनों में Cl- आगे होगा, क्यों, क्योंकि ये छोटे साइज का बड़े, अब दोनों के चार्ज सेम है तो फिर साइज जिसका छोटा है उसकी जो है कोगुलेटिंग पावर ज्यादा है, समझ गए। तो इसी तरीके से हम लोग जो है As2S3 की वैल्यू में देखें, तो ये तो निगेटिव सॉल्व है भाई, तो कुछ सारे सॉल्व जरा पॉजिटिव सॉल्व निगेटिव तो बताएंगे नहीं पेपर में, तो पता रहना चाहिए आपको। तो इसीलिए कह रहे हैं NCERT पढ़ो, तो अगर एग्जाम्पल वगैरह हो तो सब थोड़ा सा दिमाग में बिठा के रखो अपने।
तो Al3+ जो है Mg2+ से ज़्यादा। अब सोडियम पोटेशियम के मान लीजिए +1 चार्ज के हैं, तो छोटा कौन है Na+, तो वो गंभीर घाव करेगा और K+ इतना गंभीर नहीं करेगा। तो 3+ 2+ से ज़्यादा निगेटिव सॉल्व के केस में। अब निगेटिव वाले में निगेटिव दिया गया ओके, तो PO4-3-, वो थोड़ी ना कुछ कर पाएगा, उसको हटा देना कोने में, ठीक है। तो समझे भैया। तो अब एक और वैल्यू आती है जो कि पूछा जाता है, कोगुलेशन वैल्यू, फ्लॉकुलेशन वैल्यू, सब एक ही है भैया, ये नहीं कहीं फ्लॉकुलेशन वैल्यू आ जाए तो कहो कि नहीं पढ़ाया। फ्लॉकुलेशन और कोगुलेशन में अंतर क्या था? वो सरफेस पे रहता है और ये नीचे बैठता है, बस इतना ही तो अंतर है, डेंसिटी का अंतर है, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम है ना। तो भाई देखो इसको समझ लो, अब कोगुलेशन वैल्यू कैसे डिफाइन किया गया कि किसी की कितनी पावर है, कोइन कितना ज़्यादा बर्बाद कर सकता है सॉल को, यहाँ सब निगेटिव बातें, ठीक है, बर्बादी चल रही है। मिली मोल्स ऑफ अ कोगुलेटिंग, अब बहुत नहीं देखो पढ़ रहा है, मिली मोल्स में पढ़ रहा है, कोगुलेटिंग एजेंट, वही अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कोगुलेशन, यानी कि थोड़ा बहुत हो गया, पूरा बर्बाद कर दो सॉल को आप, कंप्लीट कोगुलेशन ऑफ 1 लीटर सॉल। तो भाई जितने, मान लीजिए आपके पास 1 लीटर सॉल है, तो जितने मिली मोल्स आपके कोगुलेटिंग एजेंट के लगे उसको ख़त्म करने के लिए, तो वो कोगुलेशन वैल्यू होगा। अच्छा, और आपने कोगुलेशन वैल्यू एक तो पढ़ा और एक आपने पढ़ा कोगुलेटिंग पावर, तो समझ में आता है कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी तो आपको कम मोल लगेंगे, जिसकी पावर ज़्यादा होगी, पावर का मतलब हाई चार्ज है उसके पास, उसका एक ही तीन तीन को दबाए दे रहा है, तो इसलिए जिसकी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा, कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा, उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू कम। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है, तो समझ गया। और एक पांचवा पढ़ना था, तो पांचवा क्या कहता है कि भाई आप ये एक वो अपोजिट वाला था कुछ, अरे यार कहाँ चला गया, कोगुलेशन के टाइप्स, कोगुलेशन, हाँ, तो बाय एडिशन ऑफ अपोजिट सॉल। तो देखिए बाय एडिशन ऑफ अपोजिट सॉल में क्या हो रहा है कि भैया अगर आपने एक का उल्टा सॉल डाल दिया, पॉजिटिव नेगेटिव डाल दिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और जब वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे चुपचाप बैठ जाएंगे, प्रेसिपिटेट बना देंगे, क्या बात है। तो AgCl के ऊपर Ag+ है और AgCl के ऊपर Cl- है। अब हम लोग ले आए एक पॉजिटिव सॉल और एक हम लोग ले आए नेगेटिव सॉल। अब ये क्लोज आके प्रेसिपिटेट बना देंगे, क्योंकि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब क्वेश्चन कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे पूछ रहे थे कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, देखो कैसे फालतू क्वेश्चन है अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया। सो द कोगुलेटिंग पावर, आप जानते हो इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, हैविंग आयंस Na+, Al3+, फॉर आर्सेनिक सल्फाइड इट इज लाइक निगेटिव सॉल, जैसे पढ़ा, इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो भैया जिसका चार्ज ज़्यादा Al3+ सबसे आगे रहना चाहिए, बहुत बढ़िया। ये देखो Na+ आ रहा है 2+ के सामने, तो पहले ही बर्बाद थे, यहाँ पे Na+ था, यहाँ पे 2+ वाला 3+ से कैसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और 3 वाला 2 से तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन 1-2 से ज़्यादा ये कहाँ अच्छा लगता है। तो 3 वाला 2 से और 2 वाला 1 से, तो इस तरीके से आप कितने सेकेंड लगे भाई, तो हार्डली इस तरीके क्वेश्चन करने में 2 ही सेकेंड लगते। तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं ना, और कुछ क्वेश्चन में समय लगता है, ठीक है।
तो पेपर में हर प्रकार के सवाल होते हैं। अब ये जेई 2009 मतलब एडवांस का क्वेश्चन है, तो इसमें कह रहे हैं कि अमंग द इलेक्ट्रोलाइट्स Na2SO4 Cl2 Al2SO4 एंड द मोस्ट इफेक्टिव कोगुलेटिंग एजेंट फॉर Sb2S3 निगेटिव वाला भैया। अब देखो ये ना पता रहेगा तो दिक्कत हो जाए, क्योंकि ये तो कैटायन से करना है तो कैटायन के चार्ज देखने होंगे। तो ये Na का प्लस है, ये Ca का प्लस 2 है और एल्यूमिनियम का प्लस 3 है और NH4 का प्लस 1 है भाई, तो प्लस 3 वाला जबरदस्त क्योंकि वो निगेटिव सॉल्व। तो डन डना डन, तो समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से आराम से आपके सवाल लग जाते हैं। अब आखिरी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट भैया, ये फिर से बोर्ड के लिए बहुत ही जबरदस्त है, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। अब हमें कोलाइड्स को बचाना है, अभी निपटा रहे थे, बचाना भी पड़ता है। अब जैसे निपटाने में हमने कहा ना कि इसराइल के ऊपर डाला और भैया अब आपके पास थी एंटी मिसाइल सिस्टम, बचा लिया आप अपने लोगों को, ठीक है। तो उसी तरीके से कोलाइड को निपटाना भी सीखा, बनाना भी सीखा और अब उनको बचाना भी सीखेंगे। जब इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो उनको बचाएं कैसे, कैसे बचाएं? तो देखो बचाने का कारण देखिएगा, तरीका देखिएगा, मजा आएगी। तो लायोफिलिक को तो जानते हो आप भैया, बहुत प्यार मोहब्बत पैदा करते हैं लोग। तो लायोफिलिक जो सॉल्स होते हैं वो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स लायोफोबिक सॉल्स के लिए होते हैं, क्योंकि ये जितना भी हम लोग ये तोड़ फोड़ पा रहे हैं वो सब लायोफोबिक है भैया। पढ़ाई करने से पहले ही आपको बता दिया कि लायोफिलिक तो अपने आप ही बन जाते हैं, नेस्ले वाले एग्जांपल दिए थे। लेकिन ये जो लायोफोबिक वाले हैं नहीं बनते, इनको बनाना भी बहुत कष्टदायी था और बना लिए तो इनको तोड़ना भी आसान है, कुछ कुछ मैथड आपने देखे और आप तोड़ दे रहे हैं। लेकिन अब इनको बचाए रखना है आपको, अब आपको इनको बचाए रखना है। तो लायोफिलिक सॉल्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट कोगुलेशन, क्योंकि अगर कुछ डाल दिया इसके अंदर तो ये कोगुलेट हो जाएंगे। अब हमें कुछ तो इसमें प्रिवेंशन करना पड़ेगा, जिससे कि मान लीजिए हम नहीं चाहते कि हमारा कभी भी इतनी मुश्किल से हमने कोलाइड बनाया उसको कोई बर्बाद कर दे, तो हम जो है फिर उसके अंदर लायोफिलिक सॉल्ट डालते हैं। तो हैंस ये लायोफिलिक हमारे प्यारे सॉल्स आर प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। अब देखो जो फोबिक होता है वो थोड़ा छोटा सा होता है ऐसे फोबिक वाला, लेकिन फिलिक के पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं और इनमें अट्रैक्शन भी होता है। तो फिलिक इसको आके मतलब ये फिलिक तो अपने आप को जो है अट्रैक्ट कर रहा होता है और छोटे सी जगह में फोबिक वाले वहाँ घुस जाते हैं। अब भैया लायोफिलिक जो है इनके लिए जो होता है वो एक शील्डिंग कर रहा है कि दूसरे वाले को, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको आने नहीं दे रहा है। ये लायोफिलिक है सारे, लायोफिलिक ने अपनी एक लेयर बना दी। तो अब जब आप इलेक्ट्रोलाइट लाओगे, लायोफिलिक तो ऐसे ही पॉजिटिव निगेटिव प्यार मोहब्बत में रहेंगे और इस इलेक्ट्रोलाइट को शील्ड कर देंगे इस फोबिक तक पहुंचने के लिए, रोक देंगे, सराउंड करेंगे। लायोफिलिक इज सराउंडिंग बचा दे रहे हैं इसको, ठीक है। एंड दे विल शील्ड देम फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है भैया। तो लायोफिलिक इस तरीके से प्रोटेक्टिव कोलाइड्स होते हैं। तो आफ्टर एडिंग इलेक्ट्रोलाइट वी कैन से कि वंस वी हैव ये सब कर दिया, अगर हम लोगों ने लायोफिलिक डाल दिया तो आफ्टर एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स इट विल नॉट कोगुलेट। अब जैसे दवाएं हम लोग खाते हैं तो जो दवा होती है, दवा उनमें सॉल्ट्स होते हैं, दवाओं के अंदर सॉल्ट्स, और दवा जाती है शरीर में और ये ब्लड के साथ मिक्स होके अपना काम करती है, ठीक है। अब वो सॉल्ट है वो इलेक्ट्रोलाइट है और जो दवा जो खून है वो कोलाइड है। अब मान लीजिए अगर हम लोग प्रोटेक्टिव कोलाइड ना डालें इन दवाओं के अंदर, ठीक है, गड़बड़ सड़बड़ दवा खा ली बकार कंपनी की, एकदम सड़ेले वाले कंपनी के है ना, फर्जी वाली दवा, अब उसमें वो भूल गए कहीं, क्या भूल गए,
प्रोटेक्टिव कोलाइड डालना है और आपके सॉल्ट डाल दिए भैया आपके शरीर में, और ये सॉल्ट गया और इसने अपना भैया यही कोगुलेशन पावर दिखा दी, तो खून जो है पता चलेगा कि वो अलग अलग हो गया भैया, उनका कोलाइड ही निपट गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी जान चली जा सकती। तो भैया इसलिए हर दवा के अंदर प्रोटेक्टिव कोलाइड्स मिलाए जाते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट्स तो इतना इम्पोर्टेंट है, सोचिए, जिससे कि जब ये काम करने जाएं दवाएं जो सॉल्ट को पहुंचाना चाहते हैं वो आपके ब्लड को बचाए रखें। ठीक है, तो समझ में आया कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो अब एक इसमें क्या होता है भाई, गोल्ड नंबर होता है, लास्ट टॉपिक गोल्ड नंबर, भाई बहुत कम लोग समझ में आता, सही बता रहे, इसकी डिफिनीशन रट लेना क्योंकि डिफिनीशन लिखने को आ गया बोर्ड वोर्ड में, या आपके एग्जाम में भी लिखा रहा कि भाई इसमें से गोल्ड नंबर कौन सा सही है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम समझा भी देंगे और समझाएंगे बहुत ही हल्का सा और आपको एकदम समझ में आ जाएगा बिल्कुल एक मिनट में, और आप 50-50 मिनट के वीडियो देख सकते हैं गोल्ड नंबर पे, टाइम वेस्ट करने का पूरा आपके पास जरिया है। सो द मिलीग्राम ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलाइड, आप देखिए कि कितना प्रोटेक्टिव कोलाइड डाले, अब सोचो ये बचाएगा प्रोटेक्टिव, कितने मिलीग्राम हम लोग प्रोटेक्टिव कोलाइड डाले, रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट कोगुलेशन, ओ माय गॉड दिस इज प्रोटेक्टिव कोलाइड, प्रिवेंट कोगुलेशन यानी कितना लायोफिलिक सॉल्ट मिलीग्राम में डाले जिससे कि कोगुलेशन ना हो पाए, किसका कोगुलेशन ना हो पाए, ऑफ 10 मिलीलीटर रेड गोल्ड सॉल्ट। ठीक है, तो ये एक आपका क्या है, रेड गोल्ड सॉल्ट है, इसका 10 मिलीलीटर लिया जाए और किससे बचाना है, 1 मिलीलीटर 10% NaCl से, 1 मिलीलीटर 10%, भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं ना, 10% NaCl का सोल्यूशन बनाइए, 10% NaCl का सोल्यूशन जानते हो आप, 1 लीटर में 10 ग्राम आपने NaCl डाल दिया, उस तरीके से उस सोल्यूशन का 1 लीटर में 10 ग्राम NaCl डाला ग्राम पर लीटर में, तो वो हो गया आपका क्या, 10% NaCl, उस सॉल्यूशन का 1 मिलीलीटर लें और इस 1 मिलीलीटर को 10 मिलीलीटर रेड गोल्ड सॉल्ट में डालें, तो ये इसको नेस्ते नाबूद कर देगा, किसको, रेड गोल्ड सॉल्ट। फिर आपको क्या करना है कि देखना है कि 1 मिलीलीटर इस 10 मिलीलीटर को निपटा ना पाए, तो उसके अंदर आप अलग अलग मात्रा में डाले वाले अपने 5 मिलीग्राम डाला किसी प्रोटेक्टिव कोलाइड को, तो देखा कि बचा ही नहीं है, तो इसका मतलब कि अभी और डालना पड़ेगा। तो वो मिनिमम वैल्यू जब आप डालते हो जिसके बाद देखते हो कि रेड गोल्ड सॉल्ट बना रहता है, बर्बाद नहीं होता है, कोगुलेट नहीं होता है, उसको कहते हैं कि भाई इस प्रोटेक्टिव कोलाइड का वो गोल्ड नंबर है। तो हमें पता चल जाता है कि कौन बढ़िया प्रोटेक्टिव कोलाइड है, जिसकी वैल्यू कम वो बढ़िया प्रोटेक्टिव कोलाइड, कम डालने पे ही बचा ले तो वो अच्छा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो समझे आप कि नहीं गोल्ड नंबर। तो फिर से मैं एक बार कहानी समझा दी मैंने आपको और आप समझदार भी, तो रेड सॉल जो है हमारे पास, रेड गोल्ड सॉल, तो ये स्टैंडर्ड लेने पड़ेंगे क्योंकि हमें तो मेजर करना कौन सा बेटर लायोफिलिक सॉल है जो प्रोटेक्टिव कोलाइड है ना, तो उनको एक ही स्टैंडर्ड उसमें डालना पड़ेगा। तो रेड गोल्ड सॉल्ट 10 मिलीलीटर है, इसका 10% 1 मिलीलीटर ऑफ 10% NaCl मिलाएंगे तो कोगुलेट हो जाएगा, डाल दिया तो ये कोगुलेट हो जाएगा 100%, ये कोगुलेट हो जाएगा, लेकिन वी वॉन्ट नो कोगुलेशन, We want no coagulation. We want no coagulation. तो कितना प्रोटेक्टिव कोलाइड डालें इसके अंदर,
प्रोटेक्टिव कोलाइड डालें, इन मिलीग्राम के बच जाए, के बचा रहे, उसी को हम लोग गोल्डा नंबर कहते हैं। गोल्डा नंबर, गोल्ड नंबर, ठीक है भाई। तो फॉर डिफरेंट प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, फॉर डिफरेंट प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, ये आप समझ जाइए कि प्रोटेक्टिव पावर उल्टा है गोल्ड नंबर की। गोल्ड नंबर तो मतलब ज्यादा मिलीग्राम डालो, अरे कम में काम बन जाए ना, तो प्रोटेक्टिव पावर जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर होती है। अब आप गोल्ड नंबर भी समझ गए। अब आप थ्योरी वगैरह जो भी बचा कुचा एनसीईआरटी में छोटा मोटा कैटलिस्ट वैटलिस्ट एडजॉर्प्शन मिडजॉर्प्शन के बारे में थोड़ा बहुत ये सब बताया, एप्लीकेशन वगैरह थोड़ा पढ़ डालो, क्योंकि थ्योरेटिकल है यार, है ना। और बाकी बढ़िया बढ़िया बातें आपको सिखा दी गई कि आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते वो लोग कि जो आप समझ ना पाए। ये चैप्टर आपको अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। एंड हियर फिजिकल केमिस्ट्री एंड्स। अब आप रिवाइज कर डालें, आपके पास 1/3 केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट फुल, यानी कि 25 में करीब आप सोचिए जेई मेंस की बात करें तो 8-9 सवाल आपके बिल्कुल बन जाएंगे, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा मटेरियल सब कर डालिए, अच्छे से DPPs लगाइए, बोर्ड की तैयारी करिए और 11th को पूरे फिजिकल को एक समझिए आप, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग फोकस करेंगे इनऑर्गेनिक को ख़त्म करेंगे और लास्ट में ऑर्गेनिक को, उसमें बहुत मज़ा आएगी, ठीक है। और आखिरी में करेंगे, बोर नहीं होंगे फिर, है ना, थोड़ा याद भी रहेगा अपने को। तो यहाँ पर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री किया द एंड करते हैं। तो मज़ा आया होगा आई होप, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में, सब अच्छे से रिवाइज करिए, 2-4 बार रिवाइज करिए, आपको सब बिल्कुल अच्छे से पता चले। वीडियोस हैं आपके पास, देखिए दोबारा से देखिए, ठीक है। कुछ ही पोर्शन तो होगा जो नहीं समझ में आ रहा हो, कई पोर्शन होंगे जो आप दोबारा देखोगे तो आप लोग अरे हाँ ये तो समझ गया, आगे बढ़ाइए, ठीक है। नोट्स देखिए जो पॉइंट आपको लग रहा है कि आप भूल गए उसको देखिए, जल्दी जल्दी 2-4 बार रिविज़न करिए, आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, पेपर देने लायक हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे।